वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं फार क्राई 3। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने हमारी एक दोस्त लीजा को बचा लिया था और उसके बाद जो है वहाँ पर वास ने उसे कैद किया हुआ था, तो हम वहाँ पर गए थे और लीजा को हमने बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बचा लिया था। वहाँ पर पूरी की पूरी आग लग गई थी और वहाँ पर लीजा के साथ साथ उसने हमारे जो प्लेयर है जैसन, इसके भाई को भी वहाँ पर कैद किया हुआ था। लेकिन वो पहले ही वो उसके जैसन के भाई को पहले ही वहाँ से लेकर चला गया था और लीजा को वहाँ पर इसने बांध दिया था चेयर पर, और साथ ही साथ जैसन को भी वहाँ पर ही बांध दिया था। तो वहाँ पर बांध कर इसने जो है वहाँ पर बांध दिया था और यहाँ पर उसने वहाँ पर आग लगा दी थी। तो वहाँ से किसी न किसी तरह पूरी जगह पर आग फैल गई थी, तो हमने किसी न किसी तरह से हम वहाँ से बच कर निकल गए थे और हमने लीजा को बचा लिया था। तो उसके बाद हम जो हमारा डेनिस दोस्त है जिसके गांव में हम रहते थे, जिसने हमने शुरू की वीडियो में सबसे पहले हमें बचाया भी था, तो उसने हमें एक लड़की का बताया था। तो उस लड़की से वो कह रहा था कि मदद वो हमारी कर सकती है इस वास को मारने में और हमारे दोस्तों की हेल्प करने में। तो हम उसके पास आए थे तो उसने आगे से हमसे कोई और डिमांड की है। उसने हमें कुछ पीने के लिए दिया था और वो जैसे ही हमने पिया था तो हमें कुछ हो गया था और हम कई अलग ही जगह पर पहुंच गए थे और वहाँ पर एक बंदा हमें नज़र आया था और साथ ही साथ वहाँ पर एक खंजर हमें नज़र आया था। तो हमें उस लड़की ने कहा था कि वो जो खंजर है वो मुझे चाहिए, तुम वहाँ वो वाला खंजर जो है वो मुझे कहीं ना कहीं से ला कर दो, तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। तो वहाँ पर वो जो पानी था कि क्या था उसने हमें पीने के लिए दिया था, तो वो पीने के बाद जो आदमी हमें वहाँ पर नज़र आया था उसके पास ही वो खंजर हो सकता है। तो उस आदमी की जो लोकेशन है वो हमें मिल गई है, तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं मैप में देख लेता हूँ कि जो जगह है वो कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो आदमी हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम ये जो है यहाँ पर हम फास्ट ट्रैवल करके भी जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फास्ट ट्रैवल करके चला जाता हूँ। इस तरफ मैं इस वक्त आ गया हूँ और यहाँ से मुझे अभी आगे की तरफ जाना है और उस बंदे का पता करना है यहाँ पर वो कहाँ पर होने वाला है, क्योंकि वो जो हमने पानी सा पिया था कि क्या था उसने बस हमें पीने के लिए दे दिया था, तो हमारे प्लेयर जैसन ने पी लिया था और उसके बाद इसको कोई ख्वाब आई थी कि पता नहीं क्या हुआ था, इसको कुछ एक आदमी नज़र आया था और साथ ही साथ वो खंजर नज़र आया था। तो वो जो लड़की है उसको जो है वो उस खंजर की ज़रूरत है, तो जब हम उसे वो खंजर लेकर दे देंगे, आप उसको नाइफ भी कह सकते हैं, वो उसको ला देंगे तो उसके बाद वो हमारी मदद करेंगी वास को मारने में और हमारे दोस्तों को ढूंढने में। तो अभी मैं उस जगह पर आ गया हूँ, ये सामने ही है, यहाँ से हमें अभी जो है अंदर की तरफ जाना है। यहाँ से हम डोर ओपन करते हैं। I've got to find the man in white. अभी यहाँ से हमने अंदर की तरफ जाना है और यहाँ पर बैठ के पता नहीं ये क्या करने वाला है, उसको शक ना हो, इसलिए ये जो बंदा आया ना अभी ये था उस वक्त इसके सपने में इसको आया था, वो जो इसने ड्रिंक की थी उसके बाद जो है इसको इसके सपने में ये जो पीछे आप सूट में एक बंदा देख रहे हैं वाइट सूट में, ये बंदा इसको आया था, इसको नज़र आया था। तो ये उसके बाद जाने वाला है, इसका इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। बस ये जो हम यहाँ बैठ के ये खेल रहे हैं ये बस हम इसको दिखाने के लिए खेल रहे हैं ताकि इसको हम पे शक ना हो। यहाँ पर मैं कुछ चीजें हमारी ओपन हो गई हैं। सो ये वो सिट्रा है,
नाम है सिट्रा, ये मैं नाम देखने के लिए आया था। तो सिट्रा ने, सिट्रा को जो है वो नाइफ चाहिए, जो हम इसको ला कर देंगे तो उसके बाद ही ये हमारी हेल्प करने वाली है। वैसे ये हमारी हेल्प करने वाली नहीं है। और वहाँ पर हमें नाइफ तो दिखी थी, लेकिन ये जो अभी बंदा आया है ना, इसकी हमें ज़रूरत है। यही इसको सपने में या फिर वो जो इसने देखा था कुछ भी, उसमें इसे यही नज़र आया था। तो अभी हम इसके पीछे आए हैं ताकि हम देख सकें ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे यहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि वो जो बंदा है वो यहाँ से बाहर निकल गया है। और यहाँ पर हमने उस पर नज़र रखनी है, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। छुप छुप के हम उसके पीछे जाएंगे, वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर ही हम उसके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन वो हमें देख ना पाए। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारा मिशन ये फेल हो सकता है। तो यहाँ से मैं चुपचाप से जाता हूँ। शिट, उसने वही बात हो गई है, उसने मुझे देख लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरा जो मिशन है वो फेल हो गया। अभी मुझे दोबारा से आना पड़ेगा, तो इस बार जो है मैं आराम से आऊँगा। तो यहाँ से हम अभी जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है डोर ओपन कर दिया और वो सामने की तरफ वो खड़ा हुआ है। बस इस बार मैंने आराम आराम से जाने, पिछली बार भी मैंने जल्दी की थी तो मिशन जो है वो मेरा फेल हो गया था। इस बार मैं इसको आगे जाने दूंगा, उसके बाद ही मैं इसके पीछे पीछे जाने वाला, क्योंकि ये ने देख लिया तो इसको हम पे शक हो जाता है, फिर ये वहाँ नहीं जाएगा जहाँ ये जाने वाला है, क्योंकि हमने इसका पीछा करने है, हमने देखने है कि ये जाता कहाँ है। और इस बार मैं यहाँ से नीचे वाली साइड से आया हूँ। Did he spot me? No. No, we're good. No. तो ये यहाँ पर खड़ा है, इस बार इसने मुझे नहीं देखा। सामने की तरफ से ये सामने ही जा रहा है ये। मैं इस वक्त यहाँ पर छुप जाता हूँ। मुझे यहाँ पर बार बार रुक जाता है, शायद इसे कुछ ना कुछ शक हुआ है, इसलिए ये बार बार पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पर ये उससे बातें करने लगा हुआ है। अभी हमने देखना है कि ये जाता कहाँ है, जहाँ पर ये जाएगा उसके बाद ही हम इसे वहाँ पर ही पकड़ लेंगे। यहाँ सामने की तरफ ये फिर से खड़ा हो गया था, लेकिन अभी फिर से जा रहा है ये। हमने इससे नज़र ज़्यादा देर तक नहीं हटा सकते, फिर भी जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। जैसे ये हमारी नज़र से हटता है तो यहाँ पर ऊपर टाइमिंग आ जाती है, इस टाइम के अंदर अंदर अगर हम उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो हमारा मिशन फेल हो सकता है। यहाँ पर वो फिर से सामने की तरफ खड़ा हो गया, बहुत ही स्लो स्लो वो जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त इस तरफ से फिर वो राइट साइड पर चला गया। अभी वो मुझे देख लेता लेकिन मैं साइड पर हो गया हूँ, वो सामने की तरफ ही खड़ा है। और वेट, यहाँ पर वो अंदर जा रहा है, इसका मतलब है हमें जो भी कुछ मिलने वाला है वो अंदर ही मिलने वाला है। तो यहाँ से शायद हमें भी अंदर ही जाना हो। Before I remotely detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle.
Jesus. I got it. 5 seconds. Jason Brody. तो यहाँ पर वो पता नहीं किस जगह पर चला गया है, वो नजर नहीं आ रहा मुझे, यहाँ से देखना होगा। वो ऐसे कह रहे कि तुम्हारे पास 5 सेकंड है, बता दो कि तुम कौन हो। यहाँ पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पर चला गया। तो अभी इनकी बातें सुन लेते हैं। Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, "Did we win?" And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. So यहाँ पर इसने Jason यहाँ पर ये अंडरग्राउंड किया गया हुआ था और इसने वहाँ पर डोर जो है वो ओपन किया है और हम यहाँ पर इसके पास पहुँचाए हैं और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। I need to get help from the army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So you're alone here. No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though, from the source. और यहाँ पर ये हमें कोई गन सी दे रहा है और पता नहीं हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. ये भी हमें वो जो नाइफ सी है वो हम ये वैसे तो देने वाला नहीं है क्योंकि इसको भी कुछ ना कुछ इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ये जाके हमें वो देगा। वैसे ये हमें देने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि It's like spraying furniture gold. वास के जो बंदे हैं जो कि पायरेट्स का जो बॉस है उसने एक जगह पे ड्रग्स जो है लगाई हुई है। तो अभी ये कह रहा है कि हमने वहाँ जाना है और उन ड्रग्स को आग लगा देनी है, सारी की सारी ड्रग्स हमने जला देनी है। तो उसके बाद ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो गन है ये उठा लेता हूँ और इसके बदले मैंने पिस्टल जो है वो फेंक दी है। यहाँ पर क्राफ्ट कर नहीं सकते मुझे लगता है, अगर क्राफ्ट कर दें तो यहाँ पर क्राफ्टिंग में जाते हैं हम। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो है चीज़ें नहीं है कि हम जो है वो कुछ अपने साथ आइटम्स को पिक कर सकें। इसके लिए हमें गोट की स्किन वगैरह या इस तरह एनिमल्स की स्किन की ज़रूरत है। वैसे हम जो हैं वो पिक नहीं कर सकते, वेपन अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है पहले कुछ गोट वगैरह को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर हम कुछ वेपन्स को कैरी करने के लिए हम कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं।